न्यूयॉर्क शहर से सबसे अधिक निकटता से जुड़ी इमारत गगनचुंबी इमारत है, जिसने कई वाणिज्यिक और आवासीय जिलों को कम ऊंचाई से ऊंची इमारत में स्थानांतरित कर दिया है। ज्यादातर पानी से घिरे इस शहर में दुनिया की गगनचुंबी इमारतों का सबसे बड़ा और सबसे विविध संग्रह है। रोशनी नीचे की सड़कों तक पहुंच सके। क्रिसलर बिल्डिंग 1930 और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग 1931 का आर्ट डेको डिजाइन उनके पतले शीर्ष और स्टील शिखर के साथ जोनिंग आवश्यकताओं को दर्शाता है। कई इतिहासकारों और वास्तुकारों द्वारा क्रिसलर बिल्डिंग को न्यूयॉर्क की बेहतरीन इमारतों में से एक माना जाता है। इसकी विशिष्ट अलंकरण, जैसे कि टावर के शीर्ष पर स्टील के शिखर द्वारा वी आकार की लाइटिंग लगाई गई है, संयुक्त राज्य अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय शैली के शुरुआती प्रभावशाली उदाहरण 330 वेस्ट बाड़ी तारवीन स्ट्रीट 1931 और सी ग्राम बिल्डिंग 1968 हैं। कोंडे नास्ट बिल्डिंग 2000 अमेरिकी गगनचुंबी इमारतों में हरे रंग के डिजाइन का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। न्यूयॉर्क के बड़े आवासीय जिलों के चरित्र को अक्सर खूबसूरत ब्राउनस्टोन रो हाउस, टाउन हाउस और टेनमेंट द्वारा परिभाषित किया जाता है, जो 1870 से 1930 तक तेजी से विस्तार की अवधि के दौरान बनाए गए थे। इसके विपरीत न्यूयॉर्क शहर में ऐसे पड़ोस भी हैं जो कम घनी आबादी वाले हैं और मुक्त स्थायी आवासों की सुविधा। बाहरी नगरों में ट्यूडर रिवाइवल और विक्टोरियन जैसी विभिन्न वास्तुशिल्प शैलियों में बड़े एकल परिवार के घर आम हैं। विभाजित दो परिवार वाले घर बाहरी नगरों में भी व्यापक रूप से उपलब्ध हैं। उदाहरण तिस की भीषण आग के बाद लकड़ी के फ्रेम वाले घरों का निर्माण सीमित होने के बाद पत्थर और ईंट शहर की पसंदीदा निर्माण सामग्री बन गए। पेरिस के विपरीत, जो सदियों से अपने स्वयं के चूना पत्थर के आधार से बनाया गया था, यॉर्क ने हमेशा अपनी इमारत का पत्थर खदानों के दूर दराज के नेटवर्क से खींचा है और इसकी पत्थर की इमारतों में विभिन्न प्रकार की बनावट और रंग हैं। शहर की कई इमारतों की एक विशिष्ट विशेषता लकड़ी की छत पर लगे जल टावरों की उपस्थिति है। 19वीं शताब्दी में शहर को कम ऊंचाई पर अत्यधिक उच्च पानी के दबाव की आवश्यकता को रोकने के लिए 6 मंजिला से ऊंची इमारतों पर इनकी स्थापना की आवश्यकता थी, जिससे नगर निगम के पानी के पाइप फट सकते थे। 1920 के दशक के दौरान क्वींस में जैक्सन हाइट सहित बाहरी क्षेत्रों में गार्डन अपार्टमेंट लोकप्रिय हो गए, जो मेट्रो के विस्तार के साथ और अधिक सुलभ हो गए। गगनचुंबी इमारत, जिसने मैनहट्टन के विशिष्ट क्षितिज को आकार दिया है, 19वीं शताब्दी के अंत से न्यूयॉर्क शहर की पहचान के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। 1890 से 1973 तक दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का खिताब लगातार मैनहट्टन में रहा। 1854 और 1908 के बीच के अंतराल के साथ, जब यह खिताब फिलाडेल्फिया सिटी हॉल के पास था, 8 अलग अलग इमारतों के पास यह खिताब था। पार्क रो पर न्यूयॉर्क वर्ल्ड बिल्डिंग 1890 में यह उपाधि लेने वाली पहली इमारत थी, जो 1955 तक 309 फीट 94 मीटर खड़ी थी, जब ब्रुकलिन ब्रिज के लिए एक नया रैंप बनाने के लिए इसे ध्वस्त कर दिया गया था। पास की पार्क रो बिल्डिंग, जिसकी 29 मंजिलें 351 फीट 119 मीटर ऊंची हैं, 1899 में खुलने पर दुनिया की सबसे ऊंची कार्यालय इमारत बन गई।